लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। 13 जुलाई को शुक्रवार है, हाँ वही जिसे 13 द फ्राइडे भी कहते हैं। इन शब्दों में कुछ भूतिया छुपा है। 13 नंबर को हमेशा से अशुभ समझा गया है। 13 द फ्राइडे के मौके पर आइए आपको बताते हैं भारत की उन 13 जगहों के बारे में जहाँ जाने से लोग कतराते हैं। इन जगहों को देखकर लोगों का दिल दहल जाता है। भानगढ़ किला, राजस्थान। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ किला भूतिया किला हो गया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती हैं। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो अपने आप चटक कर टूट जाती हैं। असम में जतिंगा घाटी बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों वाली है, लेकिन सितंबर के महीने में हर अमावस रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते हैं। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे क्या कारण है, आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भूतों को सिर्फ अखंडहर ही रास आते हैं तो आपको रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जानना होगा। रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूतों का निवास माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहां कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थीं। यहां कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने का आभास हुआ है। जीपी ब्लॉक मेरठ। हर कोई यहां के बारे में जानता है। इस इलाके में एक दो मंजिला इमारत है जिसमें कई प्रेत आत्माएं रहती हैं। इस इमारत में अक्सर 4 लोगों को बैठकर ड्रिंक करते हुए देखा गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों को अक्सर यह नजारा देखने को मिलता है। कई बार लोगों ने ये भी देखा है कि लाल ड्रेस में कोई लड़की भी घर से बाहर निकलती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में कई प्रकार की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। जो गार्ड यहाँ रात में ड्यूटी करते हैं वे आपको कई प्रकार की ऐसी घटनाएं सुना सकते हैं। जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहां से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोले तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। शनिवार वाड़ा किला पुणे। यह किला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किला है जिसकी दीवारें रहस्यमयी गाथाओं से भरी हुई है। कहा जाता है कि एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों के द्वारा दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला गया था। तब से आज तक राजकुमार की आत्मा वहां हर पूर्णिमा को मौत का बदला लेने आती है। इस डर से इस किले में कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं जाता है। सूरत के दुमस तट को डरावना स्थान माना जाता है। इस तट पर बहुत पहले लाशों को दफन करने के लिए लाया जाता था, इसलिए यहां कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। आप इस तट पर आकर फुसफुसाहट की आवाज सुन सकते हैं जबकि आपके आसपास कोई नहीं होगा। चर्च ऑफ थ्री किंग गोवा। गोवा के कैंसुलन चर्च में भूत रहते हैं, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। कहा जाता है इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी। ताजमहल पैलेस मुंबई। कई लोग शायद यह बात नहीं जानते होंगे कि जिसने ताज होटल को बनाया था उसी वास्तुकार की मौत इसमें हो गई थी और उसने खुद ही आत्महत्या की थी क्योंकि वो जैसा डिजाइन बनाना चाहता था वह डिजाइन बन ही नहीं पा रहा था। तब से यहाँ आने वाले कई गेस्ट मानते हैं कि वे अक्सर किसी की परछाई देखते हैं। कुलधारा राजस्थान। इस स्थान के बारे में सन 1800 में स्थानीय लोगों को पता चला कि यह रहस्यमयी और बेकार है, इसलिए इस जगह को लोगों ने छोड़ दिया। कहते हैं यहाँ रुकने पर व्यक्ति गायब हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। एक बार एक मंत्री गांव की सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मंत्री ने उनका लगान 2 गुना कर दिया, जिससे गांव वालों ने वह जगह छोड़ दी और तब से यहां कोई नहीं रहता। जो भी रहता है वह मर जाता है। पश्चिम बंगाल के मार से इसमें कई बार घोस्ट लाइट्स का वर्णन होता है। मछुआरों से इस बारे में आप कई कहानियां सुन सकते हैं। उनका मानना है कि लाइट जलने के बाद आपको नहीं जाना चाहिए वरना मौत निश्चित है। शिमला कालका रोड पर टनल नंबर 103 स्थित है। लोगों का मानना है कि वहां कई आत्माएं रहती हैं। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ औरत की आत्मा को टहलते हुए देखा है। अग्रसेन का बावली दिल्ली। यह एक भयानक बावली है। पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन है। कहा जाता है कि जब इसमें काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को इसमें मरने के लिए मोहित करती है।
यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं।